हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाट बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली है। ये छोले हैं, ये मैंने उबाल लिए थे। आप देखिए, इसे मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से प्रेस हो जाते हैं, अच्छे तरह से उबले हुए हैं। कभी चना मसाला की सब्ज़ी भी बनाते हैं तो उबले हुए चने मैं इस तरह से अलग रख लेती हूँ ताकि वो चाट बनाने के यूज में आ जाते हैं। ये एक बॉल के करीब छोले लिए हैं, चना है जिसे कहते हैं आप, और ये बॉइल्ड आलू है, दो बॉइल्ड आलू है। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है, और ये दो मीडियम साइज के छोटे टमाटर हैं, इसे भी कटिंग कर लिए छोटे पीस में, और ये हरी मिर्च है, इसे भी छोटे पीस में कटिंग कर लिए, और ये प्याज है। प्याज को देखिए, मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप करा है, आप देख सकते हैं कितना बारीक चॉपिंग है। इस तरह से टेस्ट अच्छा आता है, हर एक बाइट में टेस्ट मस्त आएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैंने पौन बॉल के करीब दही लिया है, इसे मैं बाद में डालूंगी। तो अभी इन सब चीज़ों को मिला के अभी हम चाट बनाएंगे, और इसमें हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा सा। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं इसके अंदर ये हरे धनिया की चटनी बना रखी है मैंने, आप देख सकते हैं ये धनिया की चटनी है, और ये इमली की चटनी है, और नमक है, चाट मसाला है, और ये गार्निशिंग करेंगे नमकीन सेव ले लीजिए आप कोई भी, और ये थोड़े से अनार दाने हैं मेरे पास। तो इन सब से हम गार्निशिंग करेंगे, और अभी हम चाट में मिक्स करेंगे तो आपको दिखाऊंगी। पहले मैं ये छोले मिलाऊंगी, छोले डाल दिए मैंने, और इसके ऊपर मैं ये आलू डालूंगी, बॉइल्ड आलू है, ये भी डाल देते हैं, और ये टमाटर डाल रही हूँ। और ये प्याज डाल रही हूँ फ्रेंड्स, प्याज अभी थोड़ा ही डाल रही हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग करेंगे। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल रही हूँ। अभी हम गार्निशिंग करेंगे जब भी डालेंगे। तो अभी इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसके अंदर थोड़ा अब मैं ये नमक डालूंगी। ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स, छोले में भी थोड़ा नमक है वैसे तो, इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर मैंने सब चीजें डाल दी है, ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आलू, और ये छोले, और थोड़ा नमक डाला है मैंने। और नमक के बाद में अब मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा कम ही डालूँगी, और इनको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा प्याज मैं और डाल दूँ, चाट मसाला भी डाल दिया मैंने, और इसके अंदर मैं थोड़े से अनारदाने डालूंगी, थोड़े से डालूंगी और थोड़े गार्निशिंग के लिए। ये बहुत जल्दी बन जाती है, छोले उबले हुआ हों, आलू बॉइल्ड हों, तो फटाफट एक दो प्याज काटें और टमाटर काटें
और जल्दी से मसाला मिक्स करो, बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैं सर्विंग प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये चाट बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आएगी। और आप इसमें मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर मैं देखिए सारे बॉल का मिक्सचर इसमें डाल दिया मैंने प्लेट में, सर्विंग प्लेट में। इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा नींबू डालेंगे ना तो बहुत मस्त लगेगा, जरा सा नींबू। वैसे दही और चटनी और हम डाल रहे हैं, लेकिन नींबू का जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही मस्त आएगा। इसे थोड़ा सा नींबू डाल दिया मैंने, आप पहले मिक्स कर सकते हैं इसको नींबू से। अब हम पहले इसमें ये दही डालेंगे। ये चाट बना रहे हैं तो चटपटी तो होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये दही डाल दिया, ये फेंटा हुआ दही है, मैंने मिक्सी में फेंट रखा है। फेंटा हुआ दही का टेस्ट ही अलग होता है और बिल्कुल फ्रेश लेना चाहिए, ये खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं ये इमली की चटनी डालूंगी, आप देख सकते हैं। और ये धनिया की चटनी भी डालूंगी, धनिया की चटनी इस तरह से डालेंगे। और इसके ऊपर मैं ये थोड़े से पहले धनिया से गार्निशिंग करूंगी इस तरह से। और थोड़ा सा अनार दाना डालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालेंगे तो ये लुक भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा मस्त एकदम। और इसके ऊपर मैं ये नमकीन सेव डालूंगी, आपके पास कोई भी नमकीन सेव हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये नमकीन सेव छोटे छोटे वो गुजिए होते हैं उसकी डाल रही हूँ, इसका टेस्ट भी बहुत मस्त लगता है। जिसको नुकरे बोलते हैं, ये गोल गोल नुकरे होते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नुकरे हैं। तो ये नुकरे वाली मिक्स सेव डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत मस्त लगता है। थोड़ा सा आप इसी के ऊपर थोड़ा फिर से प्याज डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत बेटर हो जाएगा। और तो फिर थोड़ा सा मैं दही डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी मीठी चटनी में और डाल रही हूँ, इमली की चटनी और डाल रही हूँ। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स। और इसी के ऊपर मैं थोड़े से अनार दाने डाल रही हूँ और थोड़ी सी नमकीन और डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये चाट आपसे भी बहुत अच्छी तरह से बनेगी, कोई गेस्ट आए तो भी आप सर्व कर लीजिए और घर में बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये चाट की रेसिपी कैसी लगी आपको। आप ये चाट की रेसिपी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। Bye friends. Bye.